देश के साथ साथ बिहार में भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार हो गई है। आम आदमी के साथ राजनीतिक दलों की निगाहें राज्य की हॉट सीटों पर टिकी हैं। बिहार की हॉट सीटों में शुमार जमुई सीट दो बार विलुप्त हो चुकी है। इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहता था, लेकिन जमुई अब एनडीए का गढ़ है। जमुई का जुड़ाव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहास के मुताबिक पहले जाभ्याग्राम कहे जाने वाले जमुई में ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुप्त और पाल वंश के शासकों से भी जमुई का संबंध है। यहाँ काफी समय तक चंदेल वंश का भी शासन रहा था। राजधानी पटना से करीब 166 किलोमीटर दूरी पर स्थित जमुई लोकसभा क्षेत्र को 6 विधानसभा सीटों से मिलाकर बनाया गया था। नए परिसीमन के बाद जमुई सुरक्षित सीट में मुंगेर शेखपुरा जिले के इलाके भी शामिल हैं। 35 साल तक विलुप्त रही जमुई बिहार की अन्य लोकसभा सीटों से जमुई सीट एकदम अलग है। 1952 के बाद दो बार ये सीट अपना अस्तित्व खो चुकी है। 1957 में पहली बार जमुई सीट विलुप्त हुई थी। इसके बाद फिर 1962 में अस्तित्व में आई, लेकिन साल 1970 में परिसीमन में फिर ये सीट खत्म हो गई थी। करीब 30 साल के बाद फिर जमुई सीट 2009 में अस्तित्व में आई। आजादी से लेकर अब तक 35 साल तक जमुई विलुप्त रहा था। अब तक इस सीट से 8 सांसद चुने गए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जमुई से चिराग पासवान के बहनोई चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास ने जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को टिकट दिया है, जबकि चिराग पासवान इस बार अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके जीजा अरुण भारती के परिवार का भी राजनीति से पुराना नाता है। वहीं आरजेडी ने जमुई सीट से अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा। आरजेडी की ओर से उनके पति भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वे हार गए थे। मूल रूप से जमुई की रहने वाली अर्चना रविदास का सीधा मुकाबला चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती से होगा। जमुई लोकसभा सीट झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। अगर मतदाता की बात करें तो यहां मुस्लिम और यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सीट पर 3 लाख यादव वोटर हैं, साथ ही दलित और महादलित वोटर भी बड़ी संख्या में है। राजनीतिक पार्टियों का विशेष फोकस दलित और महादलित वोटरों पर रहता है। हालांकि किसी भी उम्मीदवारों की जीत में मुस्लिम और यादव वर्ग के वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। और इसी के साथ फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।